हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रासनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि जब हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है और आपको रिजल्ट जो मिल रहा है सी, और उसमें आपने मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप कर रहे हैं ए जो है टू डिजिट्स का नंबर है और बी भी आपका टू डिजिट्स का है, तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको फोर मिल रहे थे। ऑल राइट, तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई मिल रही थी। फिर हमने उसको रिड्यूस करा और ये देखा कि आप जो है उसमें तीन मल्टीप्लीकेशन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले के लिए चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस कर दी थी। तो और उसी के बिहाफ में ही हमने जो है यदि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाए उसके बारे में पूरा एक रिकरेंस रिलेशन निकाला था। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं स्ट्रेसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ऑलराइट, तो लेट अस सपोज कि आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक है ए एक है बी, जिनका साइज है एन क्रॉस एन का। ऑलराइट, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मल्टीप्लीकेशन की यदि हम नॉर्मल या सिंपल वे के अंदर सॉल्व करते हैं। तो यदि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, दो आपको मैट्रिक्स दी है, दैट मीन्स सी इक्वल टू ए डॉट बी ऐसा है। ऑलराइट, तो आपको पहले एक फॉर लूप लगेगा ए के एलिमेंट्स को लेने के लिए, फिर एक फॉर लूप लगेगा आपको बी के एलिमेंट्स को लेने के लिए, फिर आपको एक फॉर लूप लगेगा सी के एलिमेंट्स को लेने के लिए, यानी आपके पास तीन फॉर लूप लगने वाले हैं। ऑलराइट, तो ऐसे केस के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब। सो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफी ज्यादा है, तीन तीन फॉर लूप चल रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। आपने प्रीवियसली यहां पर ये जो मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे थे, यहां आपने रिड्यूस करा है डिवाइड एंड कॉन्कर की हेल्प से। जहां चार मल्टीप्लीकेशन हो रहे थे वहां तीन में रिड्यूस करा था। उसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस डिवाइड द मैट्रिक्स ए एंड बी इनटू फोर सब मैट्रिसेस ऑफ साइज एन बाय टू एंड एन बाय टू। n by 2 के आप चार सब मैट्रिक्स का डिवाइड कर दीजिए। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी। ऑलराइट, तो हमने क्या करा है, इसे n by 2 की जो है आपने इसके चार सब मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, इसी तरीके से इसको कर दिया है। ऑलराइट, तो a b c तीनों ही आपने n by 2 के साइज के अंदर चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है मैट्रिसेस को। ऑलराइट, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज C11 is equal to A11 into B11 plus A12 into B21. C12 equal to A11 B12 plus A12 B22. C21 is equal to A21 B11 plus A22 B21. And C22 is equal to A21 into B21 B12 plus A22 into B22. All right, तो ये आपको कहाँ से मिला है? ये आप जो ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं वहां से आपको मिला है। ऑलराइट, तो ये जो था आपका ए है, ये आपका बी है। ऑलराइट, ये आपको सी मिल रहा है। तो ब्लॉक मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऑलराइट, और इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस इसका हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको C11 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी की तरह आप करस्पॉन्डिंग C12 C21 C22 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने यहां पर क्या कर रखी है, लिख रखी है। ऑलराइट, ये सारी वैल्यूज हमने लिखी हैं। तो अब यहाँ हम देखें कि आपने मैट्रिसेस को चार पार्ट्स में डिवाइड करा था, और यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आप देखें एक दो दो मल्टीप्लीकेशन, दो मल्टीप्लीकेशन और चार, दो मल्टीप्लीकेशन और छः, एंड दो मल्टीप्लीकेशन, आपको एट मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। ओवरऑल मैट्रिक्स का साइज है n by 2 का, और चार एडिशन आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4। Alright, you are getting the four additions. और एडिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर टाइम की है कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलराइट, तो आप यदि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यदि हम रिकरेंस लगा के सॉल्व करें इस पूरी इक्वेशन को, तो यू विल गेट एट मल्टीप्लीकेशन आपको मिल रहा है। सो यू विल गेट एट टी एन बाय टू, ये तो आप रिकरेंस लगाएंगे मैट्रिक्स के ऊपर। ऑलराइट, उसको जो है आप डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी से सॉल्व करते जाएंगे, प्लस जो ही आपको एडिशंस हो रहे हैं दैट विल बी ऑफ थीटा या बिगो ऑफ एन स्क्वायर आपको मिलेगा, दिस इज एफ ऑफ एन। ऑलराइट, तो अब आप यहां पर देखें कि यदि हम मास्टर थ्योरम लगाएं तो आपको अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कमिंग टू बी बिगो ऑफ एन क्यूब। ऑलराइट, जो कि हम चाह रहे हैं कि रिड्यूस हो। तो यदि हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर का, कि आप जो है इफेक्ट मोर इफेक्टिवली सॉल्व कर लें किसी प्रॉब्लम को, जल्दी सॉल्व कर लें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो बिगो एन क्यूब, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी सेम। सो वॉट टू बी डन,
तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला देखा था, टू डिजिट्स के नंबर का, वहां चार मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे, उनको बाद में तीन में कन्वर्ट करा, तो उसी तरीके से यहाँ पर एट मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। तो स्ट्रेसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू या कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि एट मल्टीप्लिकेशन ना हो, या रिकरेंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर वो कम हो जाए। और तो लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम वी विल एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सब कॉल्स, दैट मीन्स जो रिकरेंस कॉल हो रहे हैं उसको हम सेवन मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ हाउ वी कैन डू दिस, कैसे कर सकते हैं उसको, आठ को सात में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन को। तो वहां कैसे करा था हमने, वहां हमने क्या करा था, फॉर्मूले के ने चेंज करा था। ऑलराइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, फैक्टरिंग स्कीम की मदद से वी कैन राइट सी आई जे, जो आपने सी वन वन सी वन टू उन सबको जो लिख रखा था उसको इन टर्म्स ऑफ एम के एस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी आई जे इसको एम के एस के फॉर्मेट में हम फैक्टरिंग स्कीम की मदद से रिप्लेस करेंगे। ईच एम के एस में बी कैलकुलेटेड बस सिंपली फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द सब ब्लॉक्स। ठीक है, तो जो आपने सब ब्लॉक्स ए वन वन ए टू टू, ये जो आपने एक मैट्रिक्स के अंदर चार पार्ट्स करे थे n बाय टू के, तो ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये जो सब ब्लॉक्स हैं इन्हीं की हेल्प से ही हम ये जो आपके एम केज हैं इनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ऑल राइट, अलग से कोई आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो आपका पहला एम वन यानी पहला जो मल्टीप्लीकेशन है वो होगा ए वन वन प्लस ए टू टू इंटू बी वन वन प्लस बी टू टू का होगा। ऑल राइट, आपको ये याद रखना है पूरे। दूसरा वाला जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ए टू वन प्लस ए टू टू इंटू बी वन वन। तीसरा जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ए वन वन इंटू बी वन टू माइनस बी टू टू। ऑल राइट, चौथा मल्टीप्लीकेशन है ए टू टू इंटू बी टू वन माइनस बी वन वन। फिफ्थ मल्टीप्लीकेशन इज ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू बी टू टू। ऑल राइट, एंड योर सिक्स्थ एंड सेवन्थ मल्टीप्लीकेशन आर एज फॉलोज, इट इज एम सिक्स दैट इज ए टू वन माइनस ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस बी वन टू, एंड एम सेवन इज ए वन टू माइनस ए टू टू इंटू बी टू वन प्लस बी टू टू। और राइट, तो ये एम सेवन तक है एम वन से, और यहाँ पर आप देखेंगे सेवन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और देर इज ओनली वन मल्टीप्लीकेशन इज डन। ऑल्सो एम के इज एक्सपांडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए हर जगह आप, यहाँ पर एक ही मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आपको एक मल्टीप्लीकेशन, यहाँ एक मल्टीप्लीकेशन, एक ही मल्टीप्लीकेशन आपको मिल रहा है। ये फॉर्मूले ही कुछ इस तरीके से जो है प्रिपेयर करे गए हैं, जहाँ आपको सिंगल मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। तो हमने क्या करा, इन फॉर्मूले की मदद से यानी जो सी आई जी एस हैं उनको एम के एस का ना कन्वर्ट करा है। ऑल राइट, और यहाँ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है हमने रिड्यूस करे हैं एट से सेवन के। ऑल राइट, तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज फॉर्मूलेस। एंड यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से ही जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ आपको इनकी वैल्यूज जो है वो नोन है, तो उस हिसाब से आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, जैसे ए टू वन माइनस ए वन वन इन द वैल्यू इज नोन, सब्ट्रैक्शन यहाँ प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं, ऑलराइट, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल नॉट अफेक्ट मच, जो कि आपकी वो कॉन्स्टेंट होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो हमें जो कंसर्न है खास वो है आपका किसका, मल्टीप्लीकेशन का, जो कि हम रिकरेंसेस लगा रहे हैं यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, तो वी विल जस्ट फोकस अपॉन द रिकरेंसेस एंड द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस विच विल हैपन इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ऑल राइट, तो ये आपको एम सेवन तक जो है वो पूरी इक्वेशन मिली है, और उनके सारे फॉर्मूले के हिसाब से आपने यहाँ लिखा है। ऑल राइट, और यहाँ हम देखें तो कैलकुलेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑल राइट, तो एम सिक्स एम सेवन या आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है कि इसकी वैल्यू आएगी तो जाकर हम अगली वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे और तब वो जाके सॉल्व होगा। या एम वन से लेकर एम सेवन तक जो भी है वो इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन है, उसका कोई एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं है। ऑल राइट, तो आफ्टर गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम अप टिल एम वन टू एम सेवन, हम क्या करेंगे, सी वन वन सी वन टू सी टू वन और सी टू टू में आप पुटअप करके देख लीजिए इन फॉर्मूले के थ्रू, और इनको वेरीफाई कर लीजिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल राइट, तो जब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके इनमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि इन सभी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी थी कुछ इस तरीके से लाइक दस, ये आपने सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू की वैल्यूज जो कैलकुलेट करी थी वो आप जब आप इस फॉर्मूले से भी रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगी।
ऑल राइट, सो देयर फोर यहाँ आपने 7 मल्टीप्लीकेशन करे हैं. ऑल राइट, तो द वर्क इज गिवन बाय रिकरेंस ऑफ द फॉर्म. वर्क कहें या टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाली बात है तो वी कैन से दैट डब्ल्यू एन या टी ऑफ एन इज इक्वल टू 70 एन बाय 2 प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर. ऑल राइट, वहां हम 8 यूज कर रहे थे, यहाँ आप 7 मल्टीप्लीकेशन है तो आपको 7 से रिप्लेस करना है. ऑल राइट, तो 70 एन बाय 2 प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर. और कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ अ मास्टर थ्योरम यदि हम लगाएं तो कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन टू द पावर लॉग 7 टू द बेस 2 एंड दैट इज कमिंग टू बी बिग ऑफ एन टू द पावर 2.8 जो कि लेस देन है बिग ऑफ एन टू द पावर 3 से. ऑल राइट, तो हमने क्या करा है, यदि नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 1 से कम करा है और उससे यदि कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो आपकी जो एक सिंपल मेथड जो होती है इनिशियली आपने लिया था वहां भी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ एन क्यूब आ रही थी, बाद में आपने डिवाइड एंड कॉन्कर लगाया उसके बाद भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब ही आ रही थी. ऑल राइट, वो क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो कम नहीं हो रहे थे. तो स्ट्रेसेंस क्या कर रहा है, स्ट्रेसेंस के फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 8 से 7 में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इन 7 की मल्टीप्लीकेशन होने के कारण आपके रिकरेंस रिलेशन जो है इस तरीके से इक्वेशन बन रही है. ऑल राइट, और जब हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो दैट इज कम विद द हेल्प ऑफ अ मास्टर थ्योरम देन इट इज कमिंग टू बी एन टू द पावर 2.8. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. थैंक यू.